तो आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 27 सितंबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा वीडियो डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की हुई छुट्टी, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सहित इनको मिली नड्डा की टीम में जगह, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, 1 नवंबर को मिलेगी राजीव गांधी न्याय योजना के 3री किश्त की राशि, सीएम ने किया ऐलान। राजीव गांधी न्याय योजना की 3री किश्त का भुगतान 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी कल कोंडागांव में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करने के दौरान दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संकट के समय में गरीबों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में देश दुनिया में लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल शनिवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कोंडागांव में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोंडागांव जिले को विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें 155 करोड़ रुपए की लागत वाले 25 कार्यों का लोकार्पण तथा 145 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कई अभिनव कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया। तो वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बीजेपी ब्रेकिंग, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की हुई छुट्टी, छक से डॉक्टर रमन सहित इनको मिली नड्डा की टीम में जगह, भाजपा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। जेपी नड्डा की इस टीम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पोजीशन बरकरार है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी के बने रहेंगे। इधर सरोज पांड्या की महासचिव पद से छुट्टी हो गयी है, वहीं छत्तीसगढ़ के प्रभारी अनिल जैन भी महासचिव की लिस्ट से गायब है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि जेपी नड्डा की टीम में कुल 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं 8 राष्ट्रीय महासचिव, 3 जॉइंट सेक्रेटरी, 13 नेशनल सेक्रेटरी और 23 प्रवक्ता बनाए गए हैं। अनिल बुलानी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और प्रभारी होंगे। टीम में छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं को टीम में जगह दी गई है, रमन सिंह जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे, वहीं सौदान सिंह नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना काल, छत्तीसगढ़ देश का 7वां राज्य जहां सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज, रायपुर, छत्तीसगढ़ में 36,038 कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीज हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 37.7% है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह औसत देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। फिर चाहे सर्वाधिक संक्रमित राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल ही क्यों न हो, इन सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, छत्तीसगढ़ से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, मगर एक्टिव मरीजों के औसत में ये सब पीछे हैं, केंद्र सरकार की वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों से यह प्रमाणित होता है। विशेषज्ञों से समझा कि आखिर यह स्थिति क्यों है, इन सब का जवाब है सितंबर के शुरुआत में, जहां देश के कई राज्यों में जब कम मरीज मिल रहे थे, रिकवरी रेट बेहतर होता चला जा रहा था, तब छत्तीसगढ़ में संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी। पहले 2000, फिर 3 और फिर 3500 से अधिक संक्रमित मरीज रिपोर्ट हुए, टेस्टिंग बढ़ने से भी ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए, जितने मरीज मिलते उनकी तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या कम रही। बीते 5-6 दिनों में स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, मगर अभी भी 2000 से अधिक ही रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों, आगे खबर है, कोरोना वैक्सीन के नाम पर अवैध वसूली करने वाली स्टाफ नर्स का एक और कारनामा, नौकरी लगाने के लिए ऐंठे पैसे, मेकाहारा में करवाए ड्यूटी। रायपुर, कोरोना वैक्सीन के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली करने वाली मेकाहारा की स्टाफ नर्स दीपा दास का एक और नया कारनामा सामने आया है। खबर है कि दीपा दास ने नौकरी लगाने के नाम पर प्रदेश के कई जिलों के लोगों से करीब 5 लाख रुपए की वसूली की है। हैरान करने वाली बात ये है कि पैसे लेने के बाद उसने अस्पताल के वार्ड नंबर 9 में करीब 8 महीने ड्यूटी भी करवाया और प्रबंधन को कानोकान खबर भी नहीं लगी। अब सभी पीड़ित FIR करवाने के लिए भटक रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मेकाहारा की स्टाफ नर्स दीपा दास ने वार्ड गर्ल, वार्ड बॉय और सुपरवाइजर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर दुर्ग, बेमेत्र, गरियाबंद, आरंग और पाटन इलाके के बेरोजगारों से पैसे लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 11 लोगों से करीब 5 लाख रुपए लिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, अब होम आइसोलेशन मरीजों को ऐप के माध्यम से भी मिलेगी कोरोना की दवाई।
कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन के निर्देश पर रायपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सलाह प्रदान करने के लिए होम आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया है। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु होम आइसोलेशन प्रभारी अपर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज जो होम आइसोलेशन में है और इसके साथ साथ आम मरीजों के लिए cghart.in ऐप पर लोगों को दवाइयां आसानी से मिल सकेंगी। इसके लिए दिए गए QR कोड पर स्कैन कर सकते हैं या cghart.in पोर्टल के लिंक पर जाकर मरीज घर बैठे जरूरी दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से दवा व्यापारी भी जुड़ सकते हैं और दवाओं का विक्रय पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे लोगों को घर पहुंच दवा, मास्क, छोटे उपकरण उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट अपडेट है, वरिष्ठ पत्रकार मोहन राव के निधन पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। वरिष्ठ पत्रकार मोहन राव के निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि कांग्रेस परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तथा यह भी कामना करता है कि शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बड़ी खबर है, बलौदाबाजार में मानव तस्करी लड़की को पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर महाराष्ट्र ले जाकर गैंगरेप कराया, सूरत में 1.5 लाख रुपए में बेचा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर शातिर युवक महाराष्ट्र ले गया, वहां 3 लोगों से गैंगरेप कराया, इसके बाद लड़की को गुजरात के सूरत ले जाकर 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने मानव तस्करी के इस बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 6 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। भाटापारा थाने में लड़की की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। परिजन ने बताया था कि उनकी लड़की गुजरात में है और फोन के जरिए बात हो रही है। इस पर पुलिस की एक टीम गुजरात के वडोदरा भेजी गई। वहां से पुलिस टीम ने लड़की को बरामद कर लिया। उससे पूछताछ के आधार पर मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी एक अन्य लड़की को भी पोरबंदर से रेस्क्यू कराया गया। इसी के साथ आगे खबर है, KBC के स्पेशल एपिसोड में आएगी छत्तीसगढ़ की पद्मश्री फूलबासन बाई। बिग बी अमिताभ बताएंगे संघर्ष और सफलता की कहानी। भिलाई, बचपन में अक्सर भूखे पेट सोकर पहले गरीबी और फिर समाज से लड़कर लाखों महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली पद्मश्री फूलबासन बाई के जज्बे को देश विदेश के लोग देखेंगे। अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहे कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर राजनांदगांव की जिले की पद्मश्री फूलबासन यादव नजर आएंगी। उनका चयन स्पेशल एपिसोड के लिए किया गया है। इस स्पेशल एपिसोड में अमिताभ बच्चन, बिग बी अमिताभ बच्चन फूलबासन बाई के गरीबी के संघर्ष से लेकर पद्मश्री तक के सफर को बताएंगे। फूलबासन की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं को कैमरे में कैद करने मुंबई से केबीसी की टीम भी उनके गांव सुकुल देहान आएगी। समाज में बनाई पहचान, हालांकि फूलबासन बाई का यह स्पेशल एपिसोड कब दिखाया जाएगा इसे लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। फिलहाल गांव की शूटिंग पूरी होने के बाद मुंबई से उन्हें बुलावा आएगा। फूलबासन का कहना है कि केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचकर वो जो भी रकम जीतेगी उसे वह अपने उस सपने को पूरा करने में लगाएगी जिसके लिए वह खुद बचपन में तरसी, यानी वह ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहती है जिनके माता पिता शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। साथ ही ऐसी जरूरतमंद और विधवा महिलाओं के लिए आश्रम बनाना चाहती है जहां रहकर वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में पहचान बना सके। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, कृषि सुधार बिल का विरोध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक दर हो तो विरोध नहीं। सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर फार्मर अभियान। केंद्र सरकार के कृषि सुधार बिल के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, लोकसभा में पारित तीनों बिल किसान विरोधी हैं। एक राष्ट्र एक बाजार की बात करने वाले अगर एक दर की भी बात करते तो हम इसका विरोध नहीं करते। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मुखिया मोहन मरकाम ने MSP का प्रावधान करने और मंडी व्यवस्था खत्म नहीं किए जाने की मांग की है। दरअसल इस बिल की शुरू से खिलाफत कर रही कांग्रेस ने अब चरणबद्ध तरीके से विरोध शुरू किया है। इसके तहत शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पीक अप फॉर फार्मर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से व्यापारी सस्ते में अनाज डंप करेगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर है, गांजा तस्करों पर कार्रवाई। महासमुंद में 1.5 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त। दूध के खाली कैरेट के नीचे रखकर तस्करी की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक बार फिर गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इस बार भी पुलिस ने राजस्थान के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 8 क्विंटल 10 किलो से ज्यादा का मादक पदार्थ जब्त किया है। पकड़े गए गांजा की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी दूध के खाली कैरेट के नीचे गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोमाखान थाना पुलिस को ओडिशा से अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने टैमरी नाका के पास चेकिंग शुरू की, तभी राजस्थान नंबर का एक ट्रक आता देख उसे रोक लिया। उसमें 2 युवक सवार थे। पूछने पर नाम भरतपुर निवासी खालिद व अलवर निवासी साकिर हुसैन बताया।
26 बोरियों में निकला 165 पैकेट गांजा। पुलिस ने दोनों युवकों को ट्रक से नीचे उतारा और तलाशी ली। ट्रक में पीछे खाली कैरेट भरे हुए थे। इस पर टीम ने कैरेट हटाकर चेक किया तो बोरियां भरी हुई रखी थी। इन्हें उतार कर खोला तो 26 बोरियों में से प्लास्टिक में लिपटा 165 पैकेट गांजा बरामद हुआ। इसका वजन 8.10 क्विंटल है, जिसका बाजार मूल्य 1.62 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसी के साथ आगे खबर है, फ्रेंड्स बड़ा फैसला, राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों में घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा के लिए 55 करोड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 14 नगर निगमों के स्लम इलाकों में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा के लिए 55 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति ने की है। इसका उद्देश्य शहरी स्लम इलाके के लोगों को नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 55 करोड़ रुपए प्रदान करने की अनुशंसा की गई। मुख्य सचिव ने इस योजना को शीघ्र शुरू करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग को दिए।